दोस्तों हमारा देश धीरे धीरे काफी सारे क्रोनिक डिजीज मतलब क्रोनिक बीमारियों का लोगों का घर बनता जा रहा है। क्रोनिक बीमारी वो है जो लाइफ लॉन्ग रहती है, मतलब एक बार होने के बाद उसको ट्रीट करना मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको पूरा ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब उसको रिमूव नहीं कर सकते आपके बॉडी में से। सो ऐसे लोग काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और इसका सिंपल रीज़न यही है कि हमारे जो फूड हैबिट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, ये सभी मोस्टली रीजंस होते हैं। तो आशा करते हैं आप इस क्रोनिक बीमारी के चपेट में ना आए, और उसके लिए जैसे ही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है, नंबर वन। नंबर टू, आपका स्ट्रेस लेवल कम करना रहता है। एंड नंबर थ्री एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका जो रूटीन फूड का हैबिट है उसको हेल्दियर साइड ले जाना रहता है। अब दोस्तों हेल्दी फूड मतलब किसको बोलते हैं? यूजुअली खाना तो हमको है ही पेट भरने के लिए और एनर्जी गेन करने के लिए। तो जो भी हम खाना लेते हैं उसमें डेफिनेटली एनर्जी तो होनी चाहिए, मतलब हमारे रूटीन वर्किंग के लिए। बट उसके साथ साथ ही उसमें जो हमारे शरीर को नॉर्मल विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक वगैरह जो भी लगता है वो भी उसमें होना चाहिए, नॉर्मली कैलोरी और फैट के साथ साथ। इन सब चीज़ों को हेल्दी बोला जाता है। अगर आपके खाने में खाली शुगर, सोडियम, फैट यही सब है, दैट मीन्स इट इज सपोज टू बी अनहेल्दी। और इस तरह के खाने का अब रूटीन हम यूज करने करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बाकी इंग्रेडिएंट है वो उतने मिल नहीं पाते शरीर को, और जो ये वाले इंग्रेडिएंट है फैट, शुगर, सोडियम वगैरह वो सब एक्सेस मिल रहे होते हैं। सो अल्टीमेटली हमारा शरीर किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। आज हम बात करते हैं दोस्तों कार्डियक डिजीज पे, जो कि बेसिकली होता ही इन सब चीज़ों की वजह से होता है। जैसे हमारा जो नॉर्मल फूड रहता है वो या तो हैवी फैट कंटेंट वाला होता है या तो हैवी सोडियम वाला होता है, और उस हिसाब से हमारा फिजिकल वर्क नहीं होता है। जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग यूजुअली ऑफिस जॉब या ऑफिस वर्क ही करते होंगे, और उसके साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे और उसके साथ साथ हम ज़्यादा फैट या तो ज़्यादा सोडियम वाला फूड ले रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ क्लियर कॉम्बिनेशन टू हैव योर कार्डियक प्रॉब्लम। जो भी हैवी फैट वाला फूड रहता है उसमें से नॉर्मली मोस्ट ऑफ फूड्स में जो फैट रहता है वो या तो ट्रांस फैट रहता है या तो कोलेस्ट्रॉल रहता है, जो कि हमारी जो ब्लड ले जाने वाली नलियां होती है उसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ताकि होता यह है कि हार्ट को भी काम करने के लिए ब्लड तो चाहिए, और अगर उसको ब्लड सप्लाई करने वाली जो नली है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मतलब होना शुरू हो जाता है तो ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली हार्ट को मिल नहीं पाती है। ठीक है, शुरुआत में इसको हम हाई बीपी बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड का जब यहाँ से मूव होता है तो प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जिसको नॉर्मली यहाँ पे और यहाँ पे मशीन रख के डॉक्टर्स लोग चेक करते हैं और उनको बताते हैं कि प्रेशर आपका ज्यादा है। दिस इज ये इनिशियल स्टेजेस होता है। अगर इस पर हम ध्यान ना दें और ना तो हम केयर करें, वही रूटीन लाइफ स्टाइल हम चला रहे हैं, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हार्ट बेचारा काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको ब्लड चाहिए काम करने के लिए, वो उस हिसाब से मिलता नहीं है और उसकी पंपिंग कंटिन्यू शुरू ही होती है पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हार्ट भी हमारा थक जाता है, जिसको हम कार्डियक स्ट्रोक बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं जिसको। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है और ऐसे ही हमको मतलब अच्छी लाइफ स्टाइल की ओर जाना है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सरसाइज शुरू कीजिए, सेकंड थिंग स्ट्रेस लेवल कम कीजिए, और थर्ड थिंग अपना जो डाइट प्लान रहता है उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करिए। कितना फैट, शुगर, सोडियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन, ये सब जाना चाहिए बॉडी में, एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स और डायटिशियन भी एडवाइस करते हैं जितना हो सके उतना रॉ फूड उनको लेना चाहिए, जिसमें ये सब चीज़ें काफ़ी मात्रा में होती है, मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट्स, फैट और कैलोरी वगैरह। फैट और कैलोरी मिनिमम होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, बट जैसे ही हम इसको प्रोसेस करते हैं खाने में अपना डिश वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि ये सब फूड के साथ दिक्कत ये होती है इसको रॉ खाना इट्स टेरिबल, आई मीन लाइक आप जैसे करेला, भिंडी, लहसुन कच्चा कैसे खा सकते हैं, तो उसको डेफिनेटली हमको प्रिपरेशन के लिए या तो खाने के लिए कुछ तो उसमें करना पड़ेगा, या तो हम उसकी सब्जी वगैरह बनाएंगे या किसी और के डिश के साथ इसको हम ऐड करेंगे। तो उसी प्रोसेस के दौरान ये जो मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं वो सब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, और बाकी फिर जो बचता है वो रहता है नॉर्मली शुगर, फैट और कैलोरी, जो कि हमको खाना नहीं।
तो हमने ट्राई किया है कि क्यों ना हम इसमें से ऐसा कुछ फूड बनाए जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्सिमम लेवल तक और विटामिन मैक्सिमम लेवल तक हम प्रिजर्व कर पाए और इसका जो बैड मतलब फैट वगैरह होता है जैसे कोलेस्ट्रॉल ट्रांस फैट ये सब बैड फैट होती है जो अल्टीमेटली हाई बीपी या तो हार्ट अटैक की ओर इंसान को लेके जाते हैं उसको रिमूव किया जाए। तो इसी प्रयास में चलते हैं, हमने कुछ प्रोडक्ट डेवलप किया है जैसे कि कार्डियक अगर बीमारी है आपको तो यूजुअली आपको गार्लिक खाने की एडवाइस दी जाती है, लेकिन गार्लिक जैसे मैंने बताया कच्चा आप खा नहीं सकते और आप किसी डिश में इसको डालते हैं तो चांसेस काफी ज्यादा है इसका जो न्यूट्रिएंट का लेवल है विटामिन्स वगैरह का वो कम होता जाएगा। तो इसका हमने स्नैक्स बनाया है जिसको काफी कम टेम्परेचर पे प्रिपेयर किया गया है ताकि इसका जो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स वगैरह है उसको मैक्सिमम प्रिजर्व कर पाए नंबर वन। नंबर टू एज सच एज अ रॉ मटेरियल ऑल्सो गार्लिक एक लो फैट वेजिटेबल माना जाता है तो जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें भी इतना खास कोई फैट है नहीं, प्लस ये जीरो कोलेस्टेरॉल है जीरो ट्रांस फैट है और उसमें कैलोरी जो मिलती है वो भी मिनिमम रहती है। सो अगर रूटीन में इसको आपको खाना हो तो आराम से इसको खा सकते हैं। सो इसी को अगर आप देखना चाहते हैं या तो ट्राई करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.vegaraforce.com पे जा सकते हैं, वहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है प्लस इसके बाइंग के ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसको आप पैन इंडिया कहीं पे भी मंगवा सकते हैं और एक ट्राई कर सकते हैं आप। जैसे ही आपका मूंगफली वगैरह जैसे हम रूटीन में खाते हैं बस उसी तरीके से इसको खाना रहता है, एक या दो पीसेस तीन पीसेस जैसे आपकी मर्जी। और इसके साथ साथ ये बहुत ही क्रिस्पी है दोस्तों, मतलब क्रिस्पीनेस इसकी लेवल अगर आपको बताओ तो इट इज एज गुड एज अवर नॉर्मल चिप्स जो ट्रेडिशनल हमारे चिप्स रहते हैं उसके जैसे इसकी क्रिस्पीनेस रहती है, टेस्ट में मच बेटर। एंड थर्ड थिंग इसको ना तो कुछ प्री प्रोसेसिंग करना है ना कुछ कुकिंग करना है, सिंपल आप पैकेट को तोड़ के सीधा खाना शुरू कर सकते हैं। तो होप ये प्रोडक्ट आपको काफी अच्छा लगेगा और अगर इसके बारे में आपको कुछ फीडबैक वगैरह कुछ आपको बताना है तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9574429000 पे कॉल करके बता सकते हैं या तो फिर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी इनको बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और ऐसे कई वेजिटेबल्स हैं जो हाई ब्लड प्रेशर या तो हार्ट अटैक वाले बंदे होते हैं या तो फ्रेंड्स होते हैं उसको काम में आ सकते हैं और अगर उसके बेसिस पे स्नैक्स कुछ बनाए जाए तो वो लोग भी अपने रूटीन डाइट में इसको खा सकते हैं, तो प्लीज लेट अस नो, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डेवलप स्नैक्स आउट ऑफ दैट raw material. Thank you very much friends for watching this video. Have a good day.